गोभी भी बहुत मेन फसल है। अभी मैं जिस एरिया से आया हूँ, मैं हापुड़ एरिया से हूँ, हमारे यहाँ गोभी का जो है बहुत ज्यादा बड़े पैमाने में गोभी होती है, कई हजार एकड़ में। तो वहीं से मैं आया हूँ, तो उसके लिए भी आप थोड़ा सा गौर से सुने और हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ जो है फायदा मेरे सुनने का मिल जाए। तो गोभी की सबसे पहले जो है वो नर्सरी तैयार करी जाती है। नर्सरी में आपने जो है बीज बो दिया, बीज बोने से पहले वही है, सबसे पहले हमको बीज उपचार करना है। हम कोई भी सब्जी का बीज बो रहे हैं तो सबसे पहले ऐसे नहीं कि हमने ऐसे बीज बो दिया, हमें बीज का उपचार करना जरूरी है। तो बीज का उपचार करने के लिए हमारे पास में सबसे अच्छी दवाई है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, ये स्टफ। इसको जो है एक किलो बीज में कम से कम 50 ग्राम ऐसे मिक्स करके फिर आप सीधे आपको जो है नर्सरी में बो देना है। नर्सरी में बो देने के बाद में आप देखेंगे एक हफ्ते के अंदर जर्मिनेशन आ जाता है गोभी के सीड का, जो है एक हफ्ते के अंदर आपका जर्मिनेशन आ जाएगा। गोभी में भी आपका डैम्पिंग ऑफ आता है, पौध सूखने लगती है। उसके लिए फिर आपको वही दवाई यूज करनी पड़ेगी जो मैंने आपको शुरू में बताई थी, ये प्रीडेक्ट। ये जो पौध गलन आती है, पौध सूखती है, जिसको डैम्पिंग ऑफ बोलते हैं हमारी भाषा में, उसको प्रीडेक्ट। ये 25 से 30 ml प्रति टंकी के हिसाब से आप यदि लगा देंगे तो ये आपकी जो पौध गलन आती है ये नर्सरी में नहीं आएगी। फिर दूसरे जो है नर्सरी में मैंने जैसे देखता हूँ उसमें कभी कभी पत्ता सूख के गिरने लगता है, तो उसके लिए आपको इसमें एक टैबुकोनाजोल, जो बॉन्ड 007 नाम की दवाई होती है, वो भी 25 से 30 ml प्रति टंकी के हिसाब से लगा देंगे तो गोभी की नर्सरी में जो पत्ता गिरने लगता है, जो ब्लाइट आती है, जो पीला पड़ने लगता, वो प्रॉब्लम जो है सोल्व आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है गोभी की नर्सरी में, उसमें भी रस चूसने वाले कीड़े लगते हैं, उसके लिए हमारे पास में दवाइयां तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं जो इस टाइम की सबसे अच्छी दवाई है वो आपको बता रहा हूँ, यही जो साइफोन है। इसमें वही दो टेक्निकल आते हैं, एसिटामाप्रिड और फिप्रोनिल। ये एक टंकी में 40 ml मिलाइए और मिलाने के बाद आप स्प्रे कर दीजिए। ये वो दवाई है टाइफोन, ये है वो टाइफोन। हाँ, ये टाइफोन नई दवाई है, ये बहुत अच्छा काम करती है एफिड, जैसिड और थ्रिप्स के लिए, 40 ml प्रति टंकी के हिसाब से। इससे आपके जितने भी रस चूसने वाले, चाहे एफिड हो, जैसिड हो, थ्रिप्स हो, सारे कंट्रोल हो जाएंगे। इसके बाद आपकी जो है नर्सरी में देखो कुछ ताकतवर चीज़ की भी जरूरत होती है, शुरू में ये आपको लगाना है जिस टाइम आप नर्सरी की तैयारी करते हैं। ये अपना एक प्रोडक्ट आता है, तैयारी के समय ही लगाना है पहले, ये हिटकुलान। ये हिटकुलान है, मतलब आप ऐसे मानिए कि एक एकड़ में ये 5 किलो लगता है। थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाएगा तो उससे आपकी फसल को कोई नुकसान नहीं होगा। तो उसी हिसाब से जितने एरिया में आप गोभी की नर्सरी डाल रहे हैं तो आपको पौधे को ताकत देने के लिए ये हिटकुलान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेज जो आती है वो गोभी की खेत की तैयारी की आती है। फिर गोभी खेत में ट्रांसप्लांट होगी तो खेत की तैयारी के समय भी इसमें जो है सबसे पहले आपको जो है ये हिटकुलान जो आपको मैंने अभी बताया 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यदि आप पूरे खेत में ये लगा देंगे तो गोभी